तमाम देशवासियों को अभिजीत देसाई का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक एक्सप्रेसवे था। उस एक्सप्रेसवे में रात में अंधेरे में, जहाँ जोरों से बारिश हो रही थी, एक व्यक्ति कार लेके जा रहा था। गाने सुन रहा था, स्पीड से जा रहा था, 100 का स्पीड होगा, और अचानक उस व्यक्ति ने देखा दूर एक व्यक्ति खड़ा है और वो इशारा दिखा रहा है कार रुकने का। अब इस व्यक्ति के दिमाग में एक बात आ गई, जो व्यक्ति मुझे रुकने के लिए कह रहा है शायद वो कोई गुंडा तो नहीं होगा, कोई डाकू तो नहीं होगा, क्या वो मुझे लूटने के लिए तो ये खड़ा नहीं है। अब धीरे धीरे फिर भी उसने सोचा, नहीं नहीं मैं कार नहीं रुकूंगा, ये डर गया था, कार नहीं रुकूंगा। और वो कार का भले स्पीड थोड़ा कम किया था, लेकिन वो उसी रफ्तार से जा रहा था, वो कार लेके जा रहा था। और उसने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करा भीगा हुआ है, फिर इसको लगा शायद ये गुंडा नहीं होगा, लेकिन ये कोई व्यक्ति मुझसे लिफ्ट मांग रहा है, ये व्यक्ति लिफ्ट मांगने के लिए शायद मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं यार, लेकिन ये बारिश में पूरा भीगा हुआ है, इस व्यक्ति को अगर मैंने लिफ्ट दिया तो वो मेरे बगल में आके बैठेगा, पूरा भीगा हुआ, पूरी गाड़ी को ख़राब करेगा, सीट को ख़राब करेगा। ना 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 ना, ऐसे माहौल में मैं लिफ्ट नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही चलता जाऊंगा। और अचानक वो जो आदमी जो उसको रोकने के लिए कह रहा था, वो कार के सामने आ गया, और अंत में इस व्यक्ति को कार को रोकना पड़ा। और जैसे ही कार रुक गई, अब कार के अंदर वाले व्यक्ति को डर लगने लगा। उसको लगा अब शायद मुझ पर या तो हमला होगा या तो ये व्यक्ति मुझ पर लिफ्ट मांगेगा। और मारे डर के वो उसने शीशा इतना ही नीचे किया, जो गाड़ी का शीशा होता है इतना ही नीचे किया, और वो व्यक्ति वहाँ से आया और इसने पूछा, क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोका? उस व्यक्ति ने कहा, साहब आगे मत जाइए, आगे एक ब्रिज टूटा हुआ है। इस व्यक्ति को लगा, अरे 5 मिनट पहले जिस व्यक्ति को मैं गुंडा समझ रहा था, जिस व्यक्ति को मैं लुटेरा समझ रहा था, लग रहा था वो उसके फायदे के लिए, उसके काम के लिए मेरे पास लिफ्ट मांगेगा और उसको मैं नज़रअंदाज कर दूं, अरे इस व्यक्ति ने तो मेरी जान बचाई। दोस्तों, ऐसा लाइफ में होता है। हमें बहुत बार हमारे लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति वो उसके फायदे के लिए आ रहा है, वो उसके पर्पस के लिए आ रहा है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं, उसको क्यों बुलाऊं। लेकिन जब अंत में पता चलता है ना, अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में न होता तो शायद आज हमें ये मुनाफा ना होता, ये बेनिफिट ना होता, ये फायदा ना होता। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो आपको इंसिस्ट करते हैं आप बीमा लीजिए, जो आपको इंसिस्ट करते हैं आप बचत करिए, जो आपको इंसिस्ट करते हैं बेटी के शादी का प्रोविजन करें, बच्चों के एजुकेशन का प्रोविजन करें, भाई साहब आप अपने रिटायरमेंट का प्रोविजन करिए। और उस समय हम देशवासियों को क्या लगता है, वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए आ रहा है, उसको कमीशन मिलता होगा ना, इसके लिए वो अपने फायदे के लिए आ रहा है। दोस्तों देखिए, उसका फायदा है, उसका इतना फायदा है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से हमारा कितना फायदा होता है। 20-20 साल वो व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आकर रिन्यूअल मांगता है, फोन करके रिन्यूअल मांगता है, और तभी तो हम रिन्यूअल दे पाते हैं। अगर रिन्यूअल भरना हमारे ऊपर छोड़ दिया तो न जाने कितनी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी। वो व्यक्ति बीच में है ना, इसलिए ये हो रहा है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं और ये किसी एडवाइजर के थ्रू भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन में क्या है पता है दोस्तों, बीमा तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन है ना, वो शायद हम लोग नहीं देखते। और ऑनलाइन में जब क्लेम आता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि उसके बाद वो देखेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में भरी थी वो सही है या नहीं है। अगर उसमें से 19-20 भी निकला तो आपका क्लेम, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक है ऑनलाइन जानकारी लेने के लिए है। मैं ऑनलाइन के बारे में एक सवाल आपको कहता हूं, मान लीजिए आप अगर यूट्यूब पे डालते हो कि बाईपास सर्जरी कैसे होती है, आप देखो यूट्यूब पे आपको दिखेगा बाईपास सर्जरी कैसे होती है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और ऑपरेशन कराना है, तो क्या हम यूट्यूब चैनल देखकर ऑपरेशन कराएंगे? नहीं,
वो तो जानकारी देगा, लेकिन आपको आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए जो उसको ठीक तरह से हैंडल करेगा। दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइजर वो फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट है जिसको पता है आपको कितना बीमा कब देना, कैसे कैसे उस बीमे को बढ़ाना, आपकी बिटिया के ब्याह में, आपके बच्चे के एजुकेशन में कब कब पैसा देना, उसको पता है। वो बराबर प्लानिंग करता है और वो उसका इतना स्वार्थ है और उसके इतने स्वार्थ में आपका और हमारा कितना बड़ा परमार्थ हो जाता है। दोस्तों दो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लाइफ में दो व्यक्ति हमेशा आते हैं, एक है इंश्योरेंस एडवाइजर और दूसरा है मौत। खुश नसीब परिवार वो है जिनके घर में मौत के पहले इंश्योरेंस एडवाइजर आता है। मेरी आपसे एक विनती है, ये कोरोना वायरस न जाने कितनी जान ले चुका है, न जाने कितनी जान लेगा, ऐसे अनगिनत वायरस भविष्य में आने की कदार पर है। आप सबसे विनती है, क्योंकि परिवार की तमाम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, अपना उचित बीमा कराइए, अपना एडिक्वेट बीमा कराइए, हमारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाइए और अपना एक अच्छा प्लान करिए। नमस्कार, जय हिंद।